ये हेलो इवन दिस रविचंद्रूपे से सी एस वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है आन जुडिशियरी देखिए इंडस्ट्रियल आपका फिनिश हो चुका है इट वाज अ वेरी माउंटेनियस टास्क टू कंप्लीट ऑल द यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फोर्थ यूनिट को अपन स्टार्ट करेंगे तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वीडियोज़ यू नो दिस वन इज गोइंग टू फर्स्ट वन नहीं ऐसा नहीं है दिस इज नॉट गोइंग टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड थ्री वीडियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माई प्लेटफॉर्म मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा इस जो भी प्ले लिस्ट आपको आज भी मिलने वाला है इस प्ले लिस्ट में तीन वीडियोज हैं चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं आई हैव कवर्ड जनल एक्सप्लानशन सिविल लाइब्रेटी क्रिमिनल लाइब्रेटी बट देर आर सम अदर थिंग्स दट हैव टू भी कवर्ड उस चीज को अपन क्रिमिनल लाइब्रेट में अपन जल्द ही कवर करेंगे सो आई होप विदिन विद इन आई थिंक एट और नाइन टू टेन डेज आई वुड भी एबल टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एट द सेम टाइम आई वुड भी एबल टू कंप्लीट क्रिमोलॉजी एज वेल

एंड uh, इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि इंटरमीडियरी लाइबिलिटी होता क्या है वट आर द हु आर द इंटरमीडियरीज वट काइंड ऑफ लाइबिलिटीज वी आर आस्किंग यू नो वी आर गोइंग टू डील वट काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़ उनको असाइन किए गए इंटरमीडियरी को सो आई टी एक्ट में इंटरमीडियरी लाइबिलिटी का रोल बहुत बड़ा है कई सारे इंपॉर्टेंट केसेज है जैसे रिया सिंगल का केस है उसके अलावा गूगल इंडिया का केस है वो सब बात करेंगे सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीसी सी एस जो समर्थ आई है ये से बहुत जल्दी इस नाम को कन्वर्ट करने वाला हूँ अपने जो मेरा चैनल है यूट्यू इसको समर्थ आई है जुडिशरी में वो इसलिए कन्वर्ट करने वाला हूँ क्योंकि जनवरी से मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्च और एट द सेम टाइम हिंदू लॉ इफ पॉसिबल अदरवाइज आई और सी ये चार पांच चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बट नॉट ऑन यूट्यूब एज द एज थिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल लेबर रहेंगी बट सर्टेन थिंग्स जो मैं पेड करने वाला हूँ वीडियोज आपको मैं शायद फ्री में दे दूँ और उसके क्वेश्चन जो मैं आंसर राइटिंग आपकी जुडिशरी uh, के लेवल के कराने वाला हूं मैं भी और की जो आपकी जुडिशरी uh, की होती है वो मैं आपको पेड कोर्सेज में कराऊंगा मैं मैं बहुत जल्दी उसका पूरा जो भी सेटअप है तैयार करके आपको बता दूंगा आप लोग इतने बड़े बड़े कोचिंग में इतने देते हो जस्ट गिव अ परसेंट ऑफ दैट रूपी टू मी आई विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट दैट कैन बी पॉसिबल प्री और मेंस की जो चीजें हैं ना दैट आई कैन गिव यू एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस जो आप लाखों रुपए दे रहे हो ना यू विल हैव टू पे जस्ट जस्ट सेंट परसेंट ऑफ दैट अ परसेंट कुछ तो परसेंटेज आपको उसमें से देना पड़ेगा दैट इज़ वॉट एम आस्किंग नहीं उससे बड़ा नहीं मांग रहा हूँ आपसे ठीक है तो उसके बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट महीने का कर क्या करना है सो so, आज हम इंटरमीडियरी लाइब्रेट में पढ़ेंगे और जैसा भी मेरा जो भी सेटअप रहेगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि क्या मेरे प्लानिंग है कितने कोर्सेज आएंगे क्या आएंगे एक दो टॉपिक्स की जो भी चीज़ें हैं उसका प्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नए क्वेश्चन मेन्थ्स के क्वेश्चन उसके राइटिंग उसको चेक करके खुद मैं आपको दूंगा सो सारी चीज़ें जल्दी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बता भी दूंगा तो चलिए इंटरमीडियरी लाइबिलिटी की बात करते हैं इंटरमीडियरी लाइबिलिटी में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे अपन कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे और एट द सेम टाइम सबसे पहला सवाल है बार बार आपके दिमाग में उठ रहा है कि आखिर ये इंटरमीडियरी लाइबिलिटी है क्या इंटरमीडियरीज होते कौन है एंड देखिए इंटरमीडियरी लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा वो यही उठेगा ना कि आखिर ये इंटरमीडियरी लाइबिलिटी में इंटरमीडियरीज कौन है हु आर द इंटरमीडिएट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन टू माइंड सो एटर में को अगर समझना है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कई बार बताया हूँ पिछले वीडियोस में भी कवर करा है आपको कि डेटा इज द न्यू ऑयल है ना तो अगर कोई जैसे एक मैंने पूछा एक मेरे फ्रेंड से कि यार वाई आर यू सो सैड देन ही रिप्लाइड ही वाज क्राइंग एंड ही सेड दैट आई लॉस्ट माई डेटा देन आई सेड इट्स ओके फाइन दैट देर इज नथिंग टू डील अबाउट डेटा इट्स फाइन यू कैन रीचेक योर डेटा इट वेल यू कैन रिगेन योर डेटा रिप्लाइड मी द न्यू ऑइल इट इज एज कॉस्टली एज ऑइल इट इज एज कॉस्टली एज गोल्ड डायमंड प्लेटिनम जो भी मैगी चीजें उसके उससे भी कहीं मैगी में मुझे लगता है डेटा है आखिर क्यों एंड वट वाई द डेटा इज द न्यू ऑयल तो देखिये ऐसा है कि इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा ना तो उसके पहले आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने प्रीवियस डिफिनीशन आपको कई बार बताए हैं कंप्यूटर रिसोर्स कोड का कंप्यूटर सोर्स कोड का तो इंटरमीडियरी के बारे में समझना है तो एक चीज समझेंगे सबसे पहले क्या आखिर इंटरमीडियरी डिफिनीशन है क्या स्लाइड पे जल्दी ही पिछले वाले स्लाइड पर इंटरमीडियरी हुआ सेक्शन टू वन डब्ल्यू में आप जब पढ़ोगे सेक्शन टू क्लास क्लास डब्ल्यू में दिया हुआ आपको आखिर इंटरमीडियरी कहता है कि इंटरमीडियरी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी पार्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें मीन्स एनी पर्सन एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनदर पर्सन रिसीव्स स्टोर्स और ट्रांसमिट दैट रिकॉर्ड और प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सर्च इंजन ऑनलाइन पेमेंट साइट ऑनलाइन ऑक्सन साइट ऑनलाइन मार्केट प्लेयर्स एंड साइबर कैफेस अब बात को समझिए इंटरमीडियरी क्या होता है आप लोगों ने नाइन टेंथ में पढ़ी होगी कैटलिस्ट एक टर्म पढ़ा होगा कैटलिस्ट का तो कैटलिस्ट क्या हो क्या करता है इनक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो सेम चीजें हैं इंटरमीडियरी लाइक एक बुक सेल हो गई एक दुकान हो गई जहां पर आप किताबें रखते हो कंपनी uh, आप, आप जैसे मेरी मैगजीन आती है मैं वो मैगजीन को दुकान में जाकर रखता हूँ वो मैगजीन वाले अब उस चीज कोई लेना नहीं कि वो कंटेंट मैं दे रहा हूँ क्या है अच्छा है बुरा है वो आपके ऊपर है इट्स जज द कंटेंट इज राइट और रॉन्ग सो इंटरमीडियरीज आर द होस्ट वो होस्ट करते हैं किसी चीज को मेज़बान है वो जैसे लाइक द कतर कतर इज होस्टिंग वर्ल्ड कप ठीक है तो अर्जेंटीना को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर कतर के जाना कैसे है। उसको इस बात से मतलब है कि कतर में हो रहा है वहां पहुंचेंगे वहां मैच खेलेंगे आज फाइनल भी है एंड आई होप अर्जेंटीना जी जाए तो ये मेरा मतलब है तो इंटरमीडिएट आर द होस्ट ऑफ एनीथिंग सो कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फिजिकल रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे वो तो फिर बुक सेलर वाली बात हो जाएगी मैं कह रहा हूं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सेटअप किया जा सकता है रिकॉर्ड किया जा सकता है मतलब कोई पर्सन कोई मटेरियल नहीं कोई एक नॉन लिविंग थिंग नहीं कोई पर्सन कोई इंसान जब किसी दूसरे बंदे के बिहाप में उसका उस बंदे का डेटा रिसीव करता है ट्रांसमिट करता है स्टोर करता है और उसके बदले वो उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है चाहे वो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो वेब होस्टिंग हो ऑनलाइन मार्क, मार्केट साइट्स हो ऑनलाइन ऑक्सन साइट्स हो सर्च इंजन हो साइबर कैफे हो कुछ भी उसको इंटरमीडियरी बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने जियो का सिम लिया ठीक है जियो ने बोला कि आप फोन कर सकते हो कहीं भी बस आप मुझे ये बता दो कि आपको कॉन्टेक्ट शो करना है कि नहीं करना वो कॉन्टैक्ट अपने पास रिकॉर्ड कर लिया अब जैसे ही आप बोलोगे लिखोगे नाइन नाइन वो पूरा आपका कॉन्टेक्ट आ जाता है अच्छा इसको कॉल करना है क्या उसको कॉल करना है क्या इसको कॉल करना है क्या सो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स आर द इंटरमीडियरीज फॉर एग्जाम्पल गूगल को मैंने किया हु इज गोइंग टू यू नो अर्जेंटीना और फ्रांस में अच्छी टीम कौन सी है तो उसने बोला अर्जेंटीना अच्छी टीम है अब उसने सेव कर लिया इस डेटा को आपके पास कि अच्छा आपने ऐसा सर्च किया था अब जब कभी आप अर्जेंटीना जैसे ही टाइप करने जाओगे ना लिख देगा अर्जेंटीना एंड वर्सेस फ्रांस यू टाइप ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी टॉकड अबाउट सो इंटरमीडियरीज के पास डेटा है आपका तो आपके बिहाफ में उसने डेटा रिकॉर्ड करा या फिर गवर्नमेंट्स कहती है कई बार कि आप आप एक एजेंसी हो आप मेरे देश के लोगों का ना डेटा रिकॉर्ड करो तो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टेन एजेंसीज आर बेसिकली वॉट दे आर डूइंग दैट दे आर स्टोरिंग ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग ऑफ डेटा तो दे आर द इंटरमीडियरीज बट द प्रॉब्लम इज दैट दे मस्ट हैव सम सम्पॉन्सिबिलिटी कुछ रेस्पॉसिबिलिटी उनको दी गई है अब अर्जेंटीना वर्च फ्रांस मैंने गूगल पे सर्च करा तो रिस्पॉसिबिलिटी है गूगल के पास कि जब मैं अर्जेंटीना भर फ्रांस टाइप कर रहा हूं तो वो मुझे ये ना बता दे कि अर्जेंटीना ने कभी फ्रांस पे अटैक करा है या अर्जेंटीना के यू नो डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं या फिर क्या पता नहीं कुछ भी रूल जरूर चीज़ें नहीं दे सकता ना यू मस्ट हैव हैर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट से कि यार तुमने सर्च करा था तो आपको बहुत सारी चीजें और भी uh, कुछ ऐसी चीज आती है जो आप नहीं देखना चाहते तो सर्ट एन आर ऑल्सो असाइंड टू द इंटरमीडियट रीज अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बेब होस्टिंग ऑनलाइन ऑक्शन साइट साइबर कैफे ये जो चीजें हैं ना ये पहले नहीं थी ओरिजिनल वाले में इसको बाद में ऐड करा गया था राट के अमेंडमेंट के बाद बिकॉज एट द टाइम वेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज दिस एक्ट वॉज फॉर्मड एवरीबडी वॉज लाइक कि यार जल्दी से जल्दी देश में सर्विस सिस्टम आए जल्द जाद ज्यादा लोग आ जाए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट सर्विस डिपेन हो स्टेंदन हो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें तो उस टाइम पे क्या था कि ओपननेस पे फोकस करी गई थी ज्यादा ट टाइम इट वॉज सो की प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बाद में सो बेसिकली इंटरमीडियर आर द स्पोक ऑफ द वील एड यही सब चीजें बाद में दो हजार आठ अमेंडमेंट के बाद दो हज़ार इक्कीस का भी एक रूल पड़ेंगे दो हजार ग्यारह का भी रूल था उन्नीस में कुछ बातें हो रही थी ठीक है तो अपन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी के लिए सेक्शन सेवेंटी नाइन आपको समझना पड़ेगा उसके बाद जल्दी ही पहुंचेंगे पर इंटरमीडियर के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं इंटरमीडियर मस्ट भी विजिलेंट रिगार्डिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट जैसे सेक्शन फोर्टी थ्री ये मैंने बता रखा है आपको फेलियर टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन रीजनेल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स अगर आप फेल कर जाते हो कुछ ऐसे रिजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और प्रोसीजर को फॉलो करने में तो मस्ट बी लाइवल फॉर टमथिंग सेक्शन सिक्सटी सेवन सी कहता है प्रिजर्वेशन एंड डिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाई इंटरमीडियरी अगर आप इंटरमीडियर हो कुछ इफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है तो उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रिजर्व उसका प्रिजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सिक्सटी नाइन जो डायरेक्शन आपको दी गई है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके बारे में बात करेंगे अभी उसको उसको आपको ब्लॉक करना है उसको मेंटेन करना है कैसे डिक्रिप्ट करना है नहीं करना है डायरेक्शन करने के लिए पब्लिक रिसोर्सेज के लिए पब्लिक डिसेंसी के लिए मोरालिटी के लिए सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नो इंटरमीडियरीज मस्ट कीप इन योर माइंड मस्ट कीप इन द माइंड दैट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं कुछ सेक्शन के अंदर सेक्शन सेवेंटी बी कहता है कि आप सर्टिन इंडिया की जो बॉडी है जो डील करती है साइबर अटैक से वो अगर कुछ तरीके की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपसे कुछ डेटा मांगती है कुछ डेटा देती है तो आप उसके साथ का अप्लाई करेंगे थोड़ा रीजनेबल तरीके से आप उनसे बात करेंगे अपने आप को डोमिनेट पोजिशन में नहीं रखेंगे सेक्शन सेवनटी टू ए अगर डिस्कलोज करते हो कुछ इन्फॉर्मेशन इन बीच ऑफ लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगा सेक्शन सेवेंटी नाइन की तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडियरीज का जो सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट वो भी बात करेंगे सेक्शन सेवनटी टू कहता है कि अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट कर रखा है आपस में कि यार मेरी डेटा तुम शेयर नहीं करोगे और आपने उस उस कॉन्टेक्ट को ब्रीच करा क्या आपने जानबूझ का डाटा ट्रांसफर करा शेयर करा रिसीव करा कुछ ऐसा करा तो मस्ट बी इट्स लाइक अ ब्रिच अ ब्रिच ऑफ वॉट लॉफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेक्शन सेवनटी टू है सो दीज आर सर्टन सेक्शन दट यू हैव कीप इन योर माइंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेसिकली क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इंटरमीडियरीज को रोकती है एक लाइबिलिटी देती है एक पनिशमेंट का डर देती है वो इसमें दिया हुआ है ठीक है तो आगे चलते हैं हम लाइबिलिटी की बात करते हैं समझ में समझते हैं देखिए जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपके माँ बाप आप पैसे भेज रहे हैं घर से फाइव थाउजेंड रुपी, रुपीज so to, it's a, it's a kind of कि आप उसको रीजनेबल तरीके से खर्च करोगे मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम होम इन वेरी कुछ भी मन किया तीसान अब पचास में खर्च कोई नहीं यार पैसा है बहुत पैसा एंड ऑल एंड फालतू चीजों पर खर्च कर रहे हो हर दिन मूवी देखने चले जा रहे हो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लायबिलिटी इज समथिंग दट इज अं टू यू बिकॉज इट इज बीइंग एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल नॉट बी यूजिंग सर्टेन थिंग्स दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग ऑफ प्रिवलेज इन ए नेगेटिव मैनर जो चीज आपको मिल रही है प्रिवलेज के रूप में आप उसको नेगेटिव मैनर में यूज नहीं करूंगे सो लाइबिलिटी इज देयर एज वेल फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब कहता है कि रविचंद्र समर्थ्य आई वाले कोचिंग में मतलब उसका जो नाम है कोचिंग का उस पर पढ़ा सकता है तो मैं आपको यहां पर आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ बताऊंगा आई विल नॉट हेयर एंड आई विल नॉट कम एंड से दिस पार्टी इज नॉट गुड दिस पार्टी इज नॉट गुड सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी आकर रूल रूल बोल के जा रहे हो एंड योर कोचिंग एंड योर नेम ऑफ द कोचिंग समर्थ है आई एस तो बेसिकली इट्स वेर काइंड ऑफ रेस्पॉसिबिलिटी दैट इज असाइंड टू मी बिकॉज इट इज समथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी दैट आई विल नॉट बी यू नो यूजिंग द थिंग इन अनलॉफुल मैनर सो लाइबिलिटी इज समथिंग दैट इज गिवन टू यू कि आप उस चीज को फॉलो करोगे इथिकल बात करना इथिकल कंसर्न्स अभी बात करूंगा इथिक्स क्या होता है कि जब आप इथिकल की बात करते हो इथिक्स की बात करते हो इट मीन दैट आप जब डिसीजन ले रहे हो ना इट मस्ट पे बहुत सारी चीजें आपके बनाओ नीति इथिक्स का मतलब होता है हिंदी में सो so, सेक्शन 79 नाइन ऑफ आई टी एक्ट एक कहता है exemption from liability of intermediary in certain cases. इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं इसको सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपको बचाया गया है क्यों बचाया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि यह कहना कि दिस पार्टी इज गुड उससे अच्छा यह कह देना कि दिस पार्टी इज नॉट गुड फॉर एग्जाम्पल किसी को यह कहना कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो उससे अच्छा कई बार यह हो जाता है कहना कि यार अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि पॉजिटिव चीजों को आप नकार कर नेगेटिव चीजों को आगे रख देते हो तो कपमेंट ने क्या सोचा कि यह मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं वो सारी चीजें लिख दूं कि आप आप किस किस केसों में लायबल हो गए क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी लगा इतना बड़ा चीज हम कैसे ऐड करेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो मैं ऐसे कह दें कि आप किसकी -किस चीजों में लायबल नहीं हो गे? तो आपको एग्जाम्स दिया गया दैट इज व तो सेफ हार्बर सेफ हार्बर बूझ रहे हो बात को आप बूझे कि नहीं बूझे बताओ सेफ हार्बर मतलब मैं कह रहा हूं कि आप ये मत करो यार इन चीजों को रख देंगे एस अगर ये सब अगर ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो तो आप सेफ हो रादर ये कहना कि अगर आपने ये सब करा है तो आप गलत हो तो इसमें कहता है कि नॉट बीथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी फॉर द टाइमिंग इन फोर्स कोई भी चीज अभी तक तो फोर्स में नहीं है कोई कानून सब्जेक्ट टू थोड़ा सा सिंपल सा चीज था बाद में इंटरमीडिएट इसल नॉट बी लाइवल किसके लिए लाइबल नहीं होगा भैया बताओ अगर आप इंटरमीडियट गूगल हो यूट्यूब हो फेसबुक हो व्हाट्सएप हो आ, मिंत्रा हो कुछ हो किसके लिए लाइबल नहीं होगे फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाई हिम अगर आपको दिया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन तो अगर आप कुछ ऐसे डेटा जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन लिंक अगर उनके साथ आप क्या क्या नहीं कर रहे हो तो आप सेफ हो जैसे कहता है कि जो सबसेक्शन जो प्रोवाइजर दिए हुए हैं फंशन ऑफ द इंटरमीडियट इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर विच इनफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाई थर्ड पार्टी ट्रांसमिटेड और टेंपोरली स्टोर्ड और होस्टेड क्या फंक्शन इंटरमीडियरी का कि सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस दोगे कम्युनिकेशन सिस्टम का जो भी यू नो टू कम्युनिकेशन सिस्टम अगर मैं हूं मैं एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल से मांग रहा हूं कोई चीज डिमांड कर रहा हूं तो जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करके इंटरमीडियरी का यूज करके मैं मांग रहा हूं उस चीज को तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको प्रोवाइड कर देगा पर आप अगर इंटरमीडियरी उस ट्रांसमिशन को इनिशिएट नहीं करता मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा है अनलाफुल तरीके से नहीं कर रहा है सेलेक्ट द सेलेक्ट द रिसीवर ऑफ द ट्रांसमिशन एंड सेलेक्ट और मॉडिफाई द इंफॉमेशन कंटेंट इन द ट्रांसमिशन अगर आपसे किसी ने ट्रांसमिशन मांगा कि यार मुझे ये चीज बताओ वट इज वट डू मीन बाई ए प्लस बी वट इज एग्जेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बता दिया पर आप उसके साथ मॉडिफाई नहीं कर रहे हो अगर आप उस डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप उस टीचर का जिसने प्रूव कर उसके जगह कुछ और नहीं लिख रहे हो उसके घर वालों की बातें नहीं लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जगह कुछ और चीजें नहीं बता रहे हो नो जो एड्स आती हैं कई बार साइड में कर रहे हो कुछ एड्स आ रही हैं कुछ तो क्यों आपने सर्च करा यार कोई अच्छी सी स्टोरी पढ़नी है आपको दैट नोवेल एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर आपके एड्स में आ रहे हैं तो समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ना तो ट्रांसमिस्ट आपके जो आपका जो डेटा है उसके साथ खेला जा रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक है वो कहता है फिर आप कहते हैं कि यार आपने फोन में सर्च करा होगा अरे मैंने सर्च करा फोन में कैसे आ गया इस पर बताओ सो दिस इज समिंग दैट इज वेरी वेरीस थिंग तो कहता है कि अगर आप नहीं

और उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे दे रही है, उसके पे दे रही रही है है उसके कोई अथॉरिटी तो आप ठीक हो आप आप सेफ हार्बर हो हो यूज कर सकते मतलब आप बच्चे हुए आपके ऊपर आपके किस तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा पास ऐप मतलब you know, तो था, तो मेरे था, मेरे के पर था। तो उसमें होता क्या था कि, uh, मैंने ऐसा सेट कर रखा था कि, uh, जैसे तीन बजे सेट कर आठ बजे का उठने का कुछ ऐसा दो रात के चार बजे का सात बजे उठने का तो लिखता था यू आर अ वेरी डेलीजेंट पर्सन यू आर अ वेरी यू नो लेबोरियस पर्सन ऐसा लिखा था अच्छा लगता था देख के तो मैंने मैं बड़ा दिन सर्च किया डेलीजेंट का मतलब क्या होता है तो वो कहता है कि आप बड़े मतलब वो हो क्या बोलते हैं इन द सेंस कि आप ना बहुत ज्यादा जागरूक तरीके के हो आप बहुत एक्टिव हो सो ड्यू डेलीजेंस का मतलब ये होता है कि यू आर वेरी वेरी अवेयर कि आपके प्लेटफॉर्म से कुछ गलत चीजें हैं ट्रांसमिट हो रही कि नहीं हो रही ड्यू इंटेलिजेंस आप हर बार ये चेक करोगे हर दो घंटे चार घंटे दस घंटे पंद्रह घंटे के बाद आप चेक कर रहे हो कि आपके प्लेटफॉर्म से गलत चीजें सेक्शन सेवेंटी नाइन टू में लिखा पड़ा है ये चीज ये चीज है जो है ना ड्यू इंटेलिजेंस का मतलब कि आप बड़े ना जागरूक तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो आगे कहता है प्रोवाइजो कहता है सब सेक्शन वन में कि द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन नॉट अप्लाई इफ इफ द इंटरमीडियरी हैज कंस्पायर्ड और अबेटेड और एडेड और इंड्यूस्ड वेदर वाइज थ्रेड्स और प्रॉमिस और अरवाइज इन कमीशन ऑफ द अनलाफुल एक्ट अगर आपने कोई अनलाफुल एक्ट के कमीशन में चाहे थ्रेट के वजह से या प्रॉमिस के वजह से या उसको अबेट किया एड किया इंड्यूस किया तो आपके ऊपर जो प्रोवाइज हो वो एप्लीकेबल नहीं हो आप बचोगे नहीं आपके ऊपर लगाया जाएगा प्रॉब्लम आपके ऊपर लगाया जाएगा प्रॉब्लम आपको पता था यार कि ऐसे करने से हो जाएगा गलत एंड स्टिल यू डिड इट तो आपके ऊपर जो सेफ हार्बर का कॉन्सर्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन सेवेंटी नाइन थ्री बी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए वो कहता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह बाद में एड किया गया था रूल्स uh, वगैरह के बाद ऐड किया गया था बहुत ज्यादा कहा गया था दो में काफी ज्यादा चीजें आई उसके बाद और भी चीज ऐड करी गई बोला गया कि दैट अगर कोई इंटरमीडियरी अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज ये जो टर्म है ना एक्चुअल नॉलेज अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज और ऑन बींग नोटिफाइड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रियट गवर्नमेंट आपको नोटिफाई कर दिया है और इट्स एजेंसी दैट एनी इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन लिंग रिसाइडिंग इन और कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर रिसोर्स Controlled by the intermediary is being used to commit the unlawful act. The intermediary fails to expeditiously remove or disable access to that material on that resource without vitating the evidence in any manner. agar agar aapko actual knowledge hai aapko actual knowledge hai उसके बावजूद या फिर government ने आपको notify ने किया, government agency ने आपको बताया, अगर आप नहीं करते वो expeditiously उस चीज को remove, तो we will not be using safe harbor concept. आप नहीं कह सकते कि यार सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर लगा दो सर क्योंकि मेरे को तो नहीं। अगर वो प्रूव हो गया कि आपके पास था, की नहीं आपको बताया था, यार अगर आप डिजेबल नहीं करते हो रिमूव नहीं करते हो तो आप बचोगे नहीं आपको करना है सेक्शन ट्वेंटी कहता है आपको करना है एक्सप्लेनेशन कहता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मतलब भी कर रखा है मेरी इंफॉर्मेशन कोई और इंटरमीडियट कर रहा है

देन आई फील यार तो नहीं हो पाएगा लगता है शायद हो जाएगा पता नहीं जो भी है तो मेरे को बड़ा ना मतलब ऐसा लगा कि रिजल्ट तो आया नहीं है कैसे आ गई बाहर थोड़ा तो सा उसमें था में था में पर जब जैसे ही यूपीपीएससी ने रिजल्ट जारी करा कट ऑफ बताया कि एक तो जब मुझे बीपीएससी के साइट से यह चीज पता चल गई ना कि 113 सौ तेरह कट गया है, तो मान लीजिए वो मेरा एक्चुअल नॉलेज हो गया मेरे नॉलेज में आ गया मैं किसी को बोल सकता हूं फोन करके मेरे फ्रेंड को बोल सकता हूं मेरे घर पे बोल सकता हूं हो गया नहीं हुआ पर मैं जब सात बजे मुझे पता चला था तब मेरे पास एक्चुअल नॉलेज था मेरे को सिर्फ किसी ने एक मैसेज भेजा था वो इट कैन बी बी एडिटेड इट कैन एनीथिंग सो द एक्चुअल नॉलेज इज जब आपको फोन करके कोई कह दे कि यार ये चीज हो गया और वो चीज कंफर्म हो जाए तो एक्चुअल नॉलेज हो गया काइंड ऑफ एविडेंस बूझे बात को बूझ रहे हैं आप ये होती है एक्चुअल नॉलेज अभी यही बात माई स्पेस इंडिया में कहा गया था कि उसको

होता क्या था कि एक किसी ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिलीजन को कुछ ऐसा टारगेट करके बहुत ज़्यादा हो रहा था कि यार व्हाट्सएप पे बड़ा जल्दी फॉरवर्ड हो रहा था चीज़ें फटाफट फॉरवर्ड हो रहे थे तो उसे लिंचिंग का केसेस बहुत बढ़ गया था कई लोग कई लोगों ने भीड़ ने मार दिया किसी को ऐसा बहुत केसेस हो गए थे डिया बीच में इधर तो उसके बाद लोगों को लगा यार ये हो कहाँ से रहा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है तो एक एनजीओ ने फाइल कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट मेंस हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो गया केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तहसीन पूनावाला के केस में बहुत बड़े व्यक्ति हैं बहुत अच्छे मैं इनको ट्विटर पर देखा भी हूँ कई बार तो उनके केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा करो कि आप ना एक ऐसा कुछ गाइडलाइंस बनाओ तो ताकि जो कंपनियां जो इंटरमीडियरीज हैं वो थोड़ी सी लाइबिलिटी उनके ऊपर इंपोज किया जाए ज्यादा तो दो का एक्ट बनाया गया गाइडलाइंस एक्ट नहीं मतलब रूल था एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड अब इथिक्स ना बड़ा सा मतलब ओपन माइंड बड़ा भेक टर्म है जैसे फॉर एग्जांपल Uh, if I am not talking to my father every day, so he is uh, still expecting from me कि मैं पढ़ रहा होऊंगा या मैं कुछ ऐसा काम करूं जैसे मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं। So it, then he will be expecting कि यार कुछ ढंग का ही काम कर रहा होगा। He will not be expecting कि मैं यार इधर uh, मतलब उधर time pass कर रहा हूं। Then he is not expecting that much, ना? So basically ethics is something that you do in your life on the basis of certain facts and certain standards, certain objectivity. एक एक पूरा का पूरा बाल्टी उसमें बहुत सारे फैक्ट है ऑब्जेक्टिविटी आपका करियर का पूरा डिसीजन है सब कुछ आपके पास है एंड टेक अ डिसीजन इथिक्स इज समथिंग दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू टू डू टू डू अट जजमेंट रिगार्डिंग वॉट इज राइट वट इज वट इज रॉन्ग इन योर लाइफ सो यही चीज इथिक्स में बोली गई कोड ऑफ इथिक्स आती है कि आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको एक करना है सिविल सर्विस की अगर तैयारी करोगे तो इथिक्स पेपर में पढ़ना है कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको ये करना है यही करे के पढ़ी समझ रहे हैं आप यही करके पड़ी अपने के और कोड कहता है कि समथिंग एक्सपेक्टेड तरह से उम्मीद भी आ कि आप थोड़ा अलग तरीके से ना अच्छा करेंगे मतलब आप थोड़ा गरीबों के लिए करोगे यू विल नॉट बी इंपोजिंग योर पर्सनल बेनिफिट यू नो ओवर पब्लिक बेनिफिट इट इज एक्सपेक्टेशन बूझ रहे हैं बात को तो इथिक्स में वही कहा कि डिजिटल मीडिया डिजिटल मीडिया वर्ड क्या होता है डिजिटल मीडिया में था क्या, क्या कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया बोल देते तो वो डिजिटल जो जो मीडिया वाले आ जाते हैं ना न्यूज चैनल्स आ गए हैं जो मैं अभी यूट्यूब पे जैसे न्यूज करेंट अफेयर बढ़ा रहा हूँ मान लो लिट से तो वो आ जाएगा डिजिटल मीडिया में इन्होंने इसलिए बोला कि डिजिटल वर्ल्ड जितना भी कंप्यूटर सोर्स कोड से जुड़ा वर्ल्ड है जैसे ओ सबसे इंपॉर्टेंट है था ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे मिर्जापुर आई ना सेक्रेट गेम्स आया ना और भी चीज जो वेब सीरीज आई ना फैमिली बैन वगैरह उनको इसमें लाना था क्योंकि उसमें पॉर्नोग्राफिक कंटेंट बढ़ाया जा रहा था बहुत बहुत सारे ऐप्स में तो उसको ओ टी प्लेटफॉर्म को डिजिटल मीडिया कोड इथिक्स में लाया गया आपको होता इंटरडियट डिफिशन अगर याद तो मैंने बोला बेब होस्टिंग ऑनलाइन ऑक्सिंग ऑनलाइन बॉडीज ठीक है तो इसमें कुछ कुछ सेक्शन में, में कुछ कुछ सेक्शन में कुछ चीजें ऐड करी गई यही सब चीजें जो मैंने अभीवाला से तहसीन में आपको बताया सारी लिखी है तो जो गाइडलाइंस बनाई गई उसमें कुछ कुछ चीजें इंपोज करी गई जैसे कि ड्यू डेलीजेंस पे फोकस किया गया ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म को लाया गया कि अगर आपको कोई बॉडी जैसे व्हाट्सएप की एक बॉडी है उसमें कवरी पॉइंट करो, उसका नाम पता सब बताओ गूगल पे जहां भी पॉसिबल हो कि ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप से तो फट आपको मैसेज करे और तुरंत विद इन दिन के अंदर उसको रिमूव करोगे आप चौबीस घंटे के अंदर उस पर रिस्पॉन्स करोगे कि आपकी कंप्लेन जनरेट कर ली गई है आपकी कंप्लेन जनरेटेड हो गई पंद्रह रिमूव किया जाएगा और अगर गवर्नमेंट आपको नोटिफाई कर दिया कि यार आपको अभी अभी खत्म करना है तो विदिन रिमूव को उस कंटेंट को रिमूव करना है यही बात श्रिया सिंगल के के केस में कही गई थी कि ओनली 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 इंटरमीडिएट तभी कर सकता है जब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कहे उसको या कोर्ट का ऑर्डर के बाद कहे वरना ऐसा होगा कि उसको तो पागल हो जाएगा वो कि इतनी सारी चीजें हटाऊं किसको किसको ना हटाऊं कौन कौन अच्छा है कौन बुरा उसको क्या पता मान लो कोई अमेरिका में बैठा है जो बॉडी को देख रहा है कि किसी बंदे ने दिया कि इसको मार देते है, उसको क्या पता चलेगा अच्छा है, है? तो इसीलिए ग्रीवांस रिडेशल मैकेनिज्म की जैसे ही किसी को ऐसा कोई न्यूज मिला से को बोले 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर हो फटाफट और गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन था 36 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ेगा वो कंटेंट अपने चैनल से ये चीज हुई थी बात कोड ऑफ की बात हुई प्रोसीजर की बात हुई डिजिटल मीडिया के लेकर अब डिजिटल मीडिया मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या है सब यहां पे लिखा हुआ है पढ़ लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तो सोशल मीडिया लाइबिलिटी डिजिटल मीडिया लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट अलग है सोशल मीडिया अलग चीज है यार ट्विटर व्हाट्सएप सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में सारी चीजें आ गई यूट्यूब आ गया गूगल आ गया ओटीटी आ, आ गया और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए मिंत्रा आ आगे सब क्या है डिजिटल मीडिया की चीजें आएंगी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया लाइबिलिटी सिग्निफिकेंट मतलब कुछ कुछ बड़े बड़े सोशल मीडिया जैसे गूगल अल्फाबेट है जिसको बोलते हैं क्रोम जो गूगल का पार्ट है व्हाट्सएप है फे, फेसबुक है बड़े बड़े हैं सब बहुत बड़े ट्विटर बहुत बड़े बिलियन बिलियस ऑफ इनके लोग हैं सब्सक्राइबर्स हैं यूजर्स हैं तो इसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया लाइबिलिटी बोला जाता है किसकी रिस्पॉन्सिलिटी ज्यादा बड़ी है समझ रहे हो बात को आप ये गाइडलाइंस में लिखी गई आपको छत्तीस पीरियोडिक अपडेट जो मैंने बताया कि हर समय समय पर आप देखते रहो चीजों को अपडेट करते रहो थोड़ा और छत्तीस घंटे के अंदर अगर गवर्नमेंट ने बोला तो आपको वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी विदिन थर्टी सिक्स आवर्स अब यही तो चीज है ना इसको ट्विटर बड़ा नहीं मानता का एक बड़ा खराब लगता था मुझे अभी भी बहुत बहुत ही गंदी आदत है ट्विटर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन को बड़ा कम, बड़ा सीरियस तरीके से लेता ही नहीं, उसको लगता है कि उसके नहीं चलेगी इसलिए ये, ये बड़ा ही गलत चीज है अगर आप एक देश में काम करो यहां से पैसा कमा दाइडलाइन दैट इज गिवन इंडिया यू मस्ट बाहर लेके जाओ अपनी कंपनी को अगर नहीं करना है तो हम रह लेंगे ट्विटर के बिना हमारे पास है चीजें तो ऐसा लगता है तो ये जो तो टेकडाउन प्रोसेस था उसी चीज में एड करी गई थी गृहवाश रे डीजल को रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड रखिए अपने पास अगर रिकॉर्ड नहीं रखेगी तो काम कैसे चलेगा रिकॉर्ड रखिए असिस्टेंट दीजिए गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज को ड्यू इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सबसे सीनियर ओवीडी उसे 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 नीचे लो नोडल कॉन्ट्रेक्ट उसे नीचे रे, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जहाँ पे चीजों को स्टोर किया जा रहा है वो वहाँ पे देखेगा उससे सीनियर लेवल उससे सीनियर लेवल एक पूरा का पूरा छत तैयार करिए ना कि सीढ़ी वन सीढ़ी डी टू सीढ़ी थ्री सीढ़ी डी फोर फिर आप छत पे पहुंचे वो सीनियर बॉडी बैठा वहाँ पे एक एक मैकेनिज्म को क्रॉस करते हुए तो पूरा पूरा सेटअप तैयार किया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑरिजिन है के लिए बोला गया था सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉरवर्ड कहाँ से वो सबसे पहले वो देखो टाइप किसने कराए अगर आप ये टाइप कर रहे हो ना अगर कुछ गलत चीज टाइप कर रहे हो ना अगर वो फॉरवर्ड हो रहा है तो अगर वाट्सअप तो वो पकड़ लेगा कि आपने ऑरिजिन कहां से होते हो बस डिक्रीट करना, करना थोड़ी देर के लिए कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं कर रहे हो तो तीन लाख पांच लाख का जो जुर्माना टू ए में आपको बताया ब्रिजफुल कॉन्ट्रैक्ट लाफुल कॉन्ट्रैक्ट वो सारी चीजें बताई ये सब चीज ऐड करी गई थी उसमें अब हम केसेस पे आएंगे केसेस को देखते हैं एक बार क्या है एक बार मैं भी जरा आपको एक चीज बताऊं इस चीज से रिलेटेड देखिए आज के जमाने में ना एक चीज याद रखिएगा कभी भी कभी भी सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया की चीजों पे अंधा भरोसा मत करिएगा अपना माइंड आपको भगवान अच्छा खासा 1400 ग्राम का दिया है उसको यूज करो काम की चीज वहां से निकलती है यार माइंड से किसी और की चीजों को क्यों बेवजह का मान लेना फॉरवर्डिंग इज दब इजिएस्ट थिंग आई वुड फील इजीएस्ट थिंग फॉरवर्ड करना आया फट से फॉरवर्ड कर दे दूसरे को नहीं डो नॉट डू दिस प्लीज

डिफामेटरी कंटेंट थे और इनके डब्ल्यू 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 जो ब्लॉगर वाला था ना आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन नाम उनका याद आ गया मुझे तो डब्ल्यू डब्ल्यू ब्लॉगर डॉट कॉम जो है इसके ऊपर कुछ डिफामेट्री कंटेंट किसी ने शेयर कर दिया और इसने बड़ा इजी फॉरवर्ड हो गया कोई दिक्कत नहीं हो लोग पढ़ने लगे देखने लगे तो मुद्दा यही उठा कि यार ये जो तुम होस्ट कर रहे हो डिफामेटरी कंटेंट का तुम इसके लिए लाइबल हो कि नहीं गए बताओ लाइबल हो कि नहीं होगे अब देखो आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बताओ ये इंटरमीडियरी है कि नहीं है तो मुझे लगता है इंटरमीडियरी है क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया क्योंकि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन रहा है अपने पास अरे भैया ये थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन रखा ना ब्लॉगर डॉट कॉम अपने पास श्री श्री रविशंकर जी का या किसी भी व्यक्ति ने कुछ शेयर किया तो उस व्यक्ति का डेटा था ना उसने अपने शेयर किया उस व्यक्ति के व्यापने डेटा अपने पास रखा इंटरमीडियरी हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है जो भी है, है सेकंड क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सेवेंटी थ्री वन सेवेंटी थ्री जो आपका थ्री बी जो सेवेंटी नाइन थ्री जो बताया कि सेफ हरवल जो कॉन्सेप्ट है कि बच सकता है किसकी केसेज में बचेगा कि नहीं बचेगा तो इसमें यह कहा गया कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये जो इंटरमीडियरी है क्या इसके पास एक्चुअल नॉलेज था एक्चुअल नॉलेज था तो इसको यह लगा कि यार इसके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं था क्योंकि इस पर किसी ने डेटा डाला जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसको आप पढ़ रहे हो जिसपे आप शेयर कर रहे हो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बॉडी जो आपकी एक एक चीजों को डेटा को देखेगा फिर आपके बाद उसको एनालाइज करेगा एडिट करेगा उसके बाद ही अलाउ करेगा जैसे टेलीग्राम में कोई जैसे मेरा ग्रुप ज्वाइन करता तो आप कभी भी आकर ग्रुप ज्वाइन कर, कर सकते हो पर आप मेरे मेरे परमिशन के बिना लिंक नहीं भेज सकते मेरे ग्रुप में अब मैं उसको अप्रूव करूंगा तभी भेजोगे आप अब मैं एक एक चीज को देख रहा हूं अगर मैं देखूंगा कुछ भी आ रहे हो भेज रहे हो जा रहे हो तो फिर मैं कैसे रिस्पॉसिबल हो जाऊंगा कि मैंने तो एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर रखा है ग्रुप के आप लोग आपस में बात करिए आप क्या बात कर रहे हो नहीं कर करो से मुझे क्या मतलब है पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्चुअल नॉलेज था आपको क्या आपके प्लेटफॉर्म का गलत यूज हो सकता है इसमें इस, इस मुद्दे में यही बोला गया कि देखो उसको एक्चुअल नॉलेज नहीं था एक्चुअल नॉलेज बाद में हुआ पर जब एक्चुअल नॉलेज हुआ तो उसको बाद उसको हटाना चाहिए था उसको उसको हटा देना चाहिए था तो सेक्शन बी में यही बात कही गई कि उसको छत्तीस घंटे के अंदर जो आई रूल्स रूल दो वाला कॉन्सेप्ट है दो में भी आया था आई रूल उसके बाद उसको हटा देना चाहिए तो यह बात उसमें कही गई थी ठीक है इतनी सी बात इसमें कही गई बाद में गूगल को बोला कि आप हटाइए पर यह नहीं कहा कि आपको सारा इंफॉर्मेशन ही था पर हां डिफॉमेट्री कंटेंट आपके पास है आपको जब इंफॉर्मेशन दी गई आपको जब बताया गया आपको चेक करके हटाना चाहिए आपने नहीं किया पर आपको हटा देना चाहिए अब तो ऐसा करके उसको हटवा दिया गया ठीक है

ऐसा इंजंक्शन टेंपर ऑर्डर सीपीसी अगर आपको याद ऑर्डर थर्टी नाइन क्या कोई ऐसा अगर मैं गलत नहीं तो ऑर्डर थर्टी नाइन कोई इंजंक्शन आपको यह प्रोवाइड करता है कि आप उस चीज को टेंपररी रोक सकते हो तो इशू यह बोला गया कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में कि आप ऐसा एक इंजंक्शन ऑर्डर कर दीजिए इशू कर दीजिए कि पूरी दुनिया में इसका जो स्प्रेड हो रहा है वो रुक जाए तो देखिए नो डाउट फेसबुक है बात पता है तो इसमें डिसीजन दिया गया कि हम ऐसा इशू कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं बात को सुनिए कोर्ट ने कहा कि देखिए भले ही फेसबुक पूरी दुनिया यूज कर रही है पर जो सोर्स है ओरिजिन का वो इंडिया में है तो दैट ओरिजिन पॉइंट इज व्हाट इज अंडर द परव्यू ऑफ द इंडियन कोर्ट सो इंडियन कोर्ट मस्ट इंटर देयर एंड विल इंटर देयर सो बाय इंटरिंग बाय इंटरफेरिंग इट्स दिल्ली हाई कोर्ट दैट इज रिकमेंडिंग यू टू रिमूव द कॉन्टेंट यू नो कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ योर रिसोर्स इफ यूर द जनरेशन पॉइंट इज इन यूर इंडिया आपके इंडिया में तब बट एट द सेम टाइम इफ द रिसोर्स जनरेटेड इज नॉट फ्रॉम इन इंडिया बल्कि ये हुआ है दुबई से तो आई एम स्टिल आप उस चीज को रोक सकते हो बट इंडिया के डोमेन आप ये नहीं कह सकते ग्लोबल इंजेक्शन कह दो क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट यहां से नहीं हुआ है तो उसके ऊपर इंडिया का कानून लागू पर ये कह सकते हैं कि इंडियन टेरिटरी में वो विजिबल नहीं होगा इंडियन टेरिटरी के रेडिएशन सेक्टर में विजिबल नहीं होगा ये ऑर्डर दिया जा सकता है पर अगर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है तो ग्लोबल इंजेक्शन दिया जा सकता है इसमें एक और बात करी गई कि टू इंजॉय सेफ हार्बर इंटरमीडियरी हैज टू तो पुट डाउन द दा कंटेंट एक्सपीडीएस अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं तो पता ही नहीं मेरे को क्या हो रहा है कौन सा कंटेंट इस पे आ रहा है तो आपको वो चीज ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई एक्चुअल नॉलेज नॉलेज एज एज यू यू गेट द द एक्चुअल हैव टू रिमूव कंटेंट एक्सपीडियसली आपको बहुत तेजी से हटाना पड़ेगा उस चीज को विद इन अ रीजनेबल टाइम ऐसा नहीं कहता कि यार दो तीन साल में हटा देंगे ना एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू रिमूव इट एक और बात कही इसमें कि ये जो कंटेंट और जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर रिसोर्स इस उसको उन्होंने ब्रॉड करा डेफिनेशन को थोड़ा सा कैसे एक और चीज समझिए कहता है रूल्स वन कहता है कि इन्फॉर्मेशन और अदरवाइज ऑल लॉफुल उसको हटाना पड़ेगा आपको अगर वो कंटेंट आपके कैटेगरी में इन सब कैटेगरी में आ रहा है ब्लास्ट है, फेमस है, है कुछ ऐसा है ब्लास्टिंग मतलब किसी के भगवान के बारे कुछ उल्टा पुलटा बोल देना तो उसको हटाना पड़ेगा

उसके ऊपर 2019 का अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं होगा उस केस में उस जब ये केस इशू करी गई थी तब ये वाला एक्ट नहीं था ये वाला प्रोविजन इसमें ऐड नहीं हुआ था नया वाला जो सेवेंटी नाइन में ऐड हुआ था कुछ प्रोविजन सेफ हारवर उसके अलावा कुछ और चीज़ें तो इसलिए ये चीज़ें ऐड नहीं होगी ये सिंपल सा केस था इसमें कुछ नहीं बस इतनी सी आपको याद रखिए क्योंकि दो के पहले अमेंडमेंट हुआ था तो सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट सेवेंटी नाइन के बाद आया ना अमेंडमेंट के बाद उसमें हम नहीं कर सकते ठीक है श्रेय सिंगल के केस मैंने आपको बताया एक बार और सुन लीजिए श्रेया सिंगल का केस देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ सेक्शंस को हटाया गया था कुछ सेक्शंस को हटाया गया था सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए आर्टिकल उन्नीस दोनों के का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गई थी अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बात को समझिए आर्टिकल नाइनटीन आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेक्शन सिक्सटी सिक्स क्या कहता है आर्टिकल इसका सेक्शन सिक्सटी सिक्स कहता है कि अगर कोई बंदा किसी इंटरमीडियरी का यूज करके कोई इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि क्या क्या कर सकता है इनकनवीनियंस कर सकता है इनकन्वीनियंस कर सकता है डेंजर पोज करता है ऑब्स्ट्रक्शन देता है इंसल्ट करता है इंजरी देता है इनम्य हेटरेट देता है, देता है देता और बिल परसिस्टेंटली बाई मेकिंग यूज ऑफ सस कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर डिवाइस आप उसके लिए उसको पनिशमेंट दे सकते हो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया इस रेसिंगल केस में कि गलत बात है 19 कहता है कि भले ही फंडामेंटल राइट right नहीं है, पर यह थोड़ी कहता है कि इंसान बोल ही ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट मस्ट बिल कुछ भी एड कर रोड की आपको ब्लॉक आपको उसके ऊपर क्या किया जाएगा जुर्माना लगाया जाएगा आपको पकड़ लिया जाएगा केस कर दिया जाएगा आपके ऊपर इसी, इसी सेक्शन को ना सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था बिल्कुल नहीं मानी गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि नहीं आप आपको ज़्यादा ही मान रहे हो यार ये इनकनवीनियंस डेंजर ए से कुछ सेक्शन जो आर्टिक आर्टिकल 19 में जो तीन चीजें डेर की मोरल मोरालिटी है पब्लिक डिसेंसी है पब्लिक ऑर्डर्स को बोलते हैं या फिर आपके दे, देश और दुनिया के साथ आपको जो रिलेशनशिप है उसको खराब ना करे सोबरिंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो ये सारी चीज़ें कहाँ से एड करो किस चीज़ किस चीज़ में ऐड कर रहे हो ना पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक डिसेंसी में आती ना मॉरिटी में आ रही ना तीसरा यूनिट जो मैंने आपको बताया सोबरिंटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सो इतनी ब्रॉड कैटेगरी को एड कर तो बंदा बोल ही नहीं पाएगा ये बोला कोर्ट ने इसके लिए स्टॉक डाउन कर दिया देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया इनवैलिडेटेड सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और ये कहा कि बहुत ही ज्यादा हीस्टिट्यूशनली वेग है

समथिंग की यार इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा ये कोर्ट ने एक बोलकर खत्म किया सेक्शन सिक्सटी सिक्स को खत्म किया सेक्शन सिक्सटी नाइन कहता है कि पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स इसको फेल्ड किया कि ठीक है आपके पास पावर है पार्लियामेंट के पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी के पास आपका पावर है कि अगर आपको लगता है कि आप मॉनिटर करें इंटरसेप्शन करी डिक्रिप्शन करी कोई इंफॉर्मेशन कोई कंप्यूटर रिसोर्स आ रहा है अगर वो कंप्यूटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है सिक्योरिटी को पोच कर रहा है डिसेंसी को खराब कर रहा है तो आप उसको कर सकते हैं इशू डायरेक्शन को इशू नहीं उसके रिगार्डिंग आप इश्यू नहीं कर सकते यार ऐसा नहीं कर सकते अगर ऐसा करते हो तो तुमको पचास साल का जुर्माना हो जाएगा पचास साल का जेल हो जाएगा ये थोड़ी ना कहोगे आप हाँ यू कैन गिव अ काइंड ऑफ रीजनेबल डायरेक्शन कि अगर आप ऐसा करते हो मस्ट बी टेकन सीरियसली आप ब्लॉक कर सकते हो कंटेंट को यू कैन ब्लॉक द कंटेंट अंडर सिक्सटी नाइन है आप ब्लॉक करिए

कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं तो तुम यार तुमको वो कर दिया जाएगा हाँ, आप गाइडलाइंस दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप ब्लॉक करिए कंटेंट को पर किसी को रेस्ट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि इसने कुछ ऐसा बोला था तो इट मस्ट बी सीन फ्रॉम द यू नो फंडामेंटल राइट एज वेल फंडामेंटल राइट भी तो वहां पर देखा जाएगा ना इतनी सारी फंडामेंटल राइट right है इमरजेंसी की सिचुएशन तो है नहीं कि आपने सारे को सारे को खत्म कर दिया सारे फंडामेंटल राइट्स को द कंट्री इज नॉट इमरजेंसी सिचुएशन एक और लास्ट केस माई स्पेस से सुपर कैसेट इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे तो ये माई स्पेस करके एक ना प्लेटफॉर्म था जिसपे कोई कोई कंटेंट वगैरह अपलोड होता था वो आपको सिर्फ शेयरिंग वगैरह का इंफॉर्मेशन देता था आपको कोई दिक्कत नहीं था उस पर सिंपल सा प्लेटफॉर्म था सुपर कैसेट मान लीजिए बॉलीवुड की कोई इंडस्ट्री थी जिसमें कुछ उसका कंटेंट था जिसके ऊपर कॉपी था उसका तो दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर क्या क्या इसने मेरा मेरे कॉपी का इंफ्लुएंस करा है और ये इंटरमीडियरी है तो इसको सेफ हार्बर का कॉन्प्ट लगना नहीं चाहिए एंड ऑल एंड ऑल Article, Section 81, जो Information Technology का कहता है कि act effect, definitely IT act effect है है कि कि और और चीजों के ऊपर मतलब किसी चीज को को देखने से पहले हम IT act को प्रेफर करेंगे पर में लिखा हुआ है कि ये चीजें आपको रोकता नहीं अगर आपकी कोई राइट के अंदर पेटेंट एक्ट के अंदर कोई अगर आप केस करते हो तो आपको रोकता नहीं पेटेंट ओवर राइटिंग इफेक्ट तो है पर आपको रोक भी नहीं रहा है तो वही एक्चुअल नॉलेज वाली बात हुई थी मैंने आपको पहले भी बताया एक्चुअल नॉलेज वाला बात हुआ इसमें तो एक्चुअल नॉलेज तो माई स्पेस के पास था नहीं इस पर बच गए बाद में ये कहा कि आर्टिकल एटी वन आपको प्रोवाइजोर दे रखा है ना गूगल सुपर कैसेट को बोला कि वो इसलिए दिया हुआ है कि आप अगर क्लेम कर सकते हो तो करो पर ये नहीं होगा कि ऑल टुगेदर आपने क्लेम करो और वंदा हार जाए सामने वाला क्योंकि उसने आपके कॉपी राइट का वलेसन कर इंटरमीडियट सेफ हार्बर का फार्ट उसको पर लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा एक्चुअल नॉलेज है कि नहीं पहली चीज दूसरी चीज उसने जानबूझ के ट्रांसमिशन कराया कि नहीं गलत तरीके से अनलाफुल के तरीके से तीसरी चीज कि आप हर चीज को कॉपी अगर कर दोगे तो वो बंदा शेयर क्या करेगा और प्लेटफॉर्म शेयर क्या करेगा आपको एक कैटेगरी बनाना पड़ेगा कि दिस इज अंडर नॉट कॉपी राइट पर हां कॉपी राइट एक्ट के ऊपर जो राइटिंग इफेक्ट है एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वो इसलिए दिया हुआ है कि आप क्लेम तो करिए पर क्लेम करने के बाद कोर्ट के अंदर में होगा कि देखनेगा कि क्या वो क्लेम सही है कि नहीं है बुझे बात को ये बात था

सारी चीजें मैंने आपको बताई आर्टिकल सेक्शन सेवेंटी नाइन के अंदर कोई डाउट है फटाफट पूछे मैसेज करके कमेंट में आपके एक और चीज बता रहा हूं कमेंट में जितनी लिंक्स दी हुई है ना वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी भी लिंक्स दे रखी है मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप है न्यूज पेपर आपको इस पर मिल जाएगा मेरा ट्विटर का हैंडल है आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएगी ठीक है तो मैं आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे मैं उस चीज को अप्लाई करने वाला हूं समर्थ है जनवरी में जो है वो लॉन्च करने वाला है एक प्रॉपर फुल प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का तो उसके लिए मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कुछ एक हजार में वो चीज़ आपको मिल जाएंगी जो मार्केट में लाखों रुपए में अवेलेबल है विथ मेन्स आंसर राइटिंग का प्रोसीजर आंसर राइटिंग चेक करना सब कुछ करना ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लविंग मी एंड दिस इज रविचंद्र रूपी ऑन समर्थ है आई साइनिंग ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग